Breaking news coming in. Prem Prakash has been arrested in Ranchi. The arrest has been made by the Central Investigation Agency, ED. Prem Prakash was arrested after the search operations which lasted till late last night. Two AK-47 weapons were found yesterday from Prem Prakash's residence. This matter gained a lot of interest. The arrest has been made by the ED in connection with illegal mining in Jharkhand. This big action has been taken under the Money Laundering Act. So there's been a big crackdown on the illegal mining in Jharkhand. And now we hear that Prem Prakash has been arrested. We're joined by my colleague Shankar Anand with more details on this. Very good morning to you, Shankar. One of the big breaks in this case, illegal mining, a big crackdown on it. And also, what is the explanation for the two AK-47s that were recovered? निश्चित तौर पर देखिए, झारखंड के लिहाज से ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई है और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इलीगल माइनिंग के मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है. प्रेम प्रकाश का जो संबंध है झारखंड में काफी राजनीतिक घरानों और राजनीतिक गलियारों के बीच में जाना जाता है. वहां की ब्यूरोक्रेसी में इसकी काफी पकड़ मानी जाती है और जिस तरह से ये पिछले कई सालों से इलीगल माइनिंग समेत कई अन्य बड़े मामलों में इसकी भूमिका रही है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले 3 महीने के अंदर काफी सबूतों को इकट्ठा किया गया और इसी मामले में कल सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था. कल तकरीबन 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था. उसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद कल इस मामले पर विस्तार से पूछताछ भी की गई और आज सुबह तड़के जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है. निश्चित तौर पे प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद कई जो चर्चाएं चल रही है, कहा जा सकता है इस मामले में आने वाले वक्त में कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि कल जिस तरह से प्रेम प्रकाश के आवास से AK-47 हथियार बरामद किया गया था, उसके बाद ये मामला और काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र में आए थे. लेकिन बाद में हालांकि झारखंड पुलिस ने कहा कि वो उनके जवानों का हथियार है, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है वो भी मामला अभी तक ईडी के द्वारा क्लोज नहीं किया गया है. वो मामला भी आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर कही जा सकती है कि इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है. इससे पहले पंकज मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया था. इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हो चुकी है. जी, ऑल्सो वी गॉट अ स्टेटमेंट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन. ही ऑल्सो पुट आउट अ स्टेटमेंट. कैन यू टेक अस थ्रू दैट, शंकर? देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा भी कल एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया गया जिसमें कि कहा गया कि कोई भी गलत तथ्यों को ना चलाया जाए. और जिस तरह से कई लोग जो हैं इस तरह के मामलों को जोड़ रहे हैं, प्रेम प्रकाश को कई बड़े नेताओं के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो गलत है. तो इस तरह के भी एक स्टेटमेंट कल झारखंड स्टेट के द्वारा वहां पे जारी किया गया था. लेकिन यहाँ पे मामला है जांच एजेंसी और मुख्य आरोपी की अगर बात करें तो आरोपी जिस तरह से प्रेम प्रकाश का जो संबंध इलीगल माइनिंग में जुड़ के आया है, तो इसी मामले में कार्रवाई की गई है. और कहा जा सकता है कि इस मामले में इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामला है, इस मामले में पहले भी पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, इसके साथ साथ बाहुबली बच्चू यादव की गिरफ्तारी हुई और इस मामले में आने वाले वक्त में कई अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की संभावना है. और देखा जाए तो जिस तरह से प्रेम प्रकाश जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम सबसे पहले निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले में नाम इसका सामने आया था. हालांकि उस वक्त में जब नाम सामने आया तो उसे लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन बाद में इस मामले पर आगे की इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में उसको गिरफ्तार किया गया. हालांकि पूजा सिंघल की अगर बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा स्कैम की तफ्तीश की जा रही थी और उसी तफ्तीश के दौरान इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे और जब तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की गई और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया. निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज जिस तरह से आज गिरफ्तारी करने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और रांची स्थित जो पीएमएलए कोर्ट है, जो ईडी की विशेष कोर्ट है, वहां पर पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और आगे की रिमांड लेने के बाद फिर से इस मामले पर पूछताछ की जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ ये कितना बड़ा रैकेट है और इस मामले में और किन किन लोगों की भूमिका है. निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये मामला इतना बड़ा है, इलीगल माइनिंग का कारोबार जो झारखंड में कई बड़े बड़े जो पहाड़ है उसको काट करके वहां से इलीगल माइनिंग की गई और मनी लॉन्ड्रिंग की गई,
तो एक तरह से कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया, और ये वही प्रेम प्रकाश है जिसके आवास से कल 2 AK-47 हथियार और उसके साथ साथ आर्म्स भी बरामद किया गया था। हालांकि उस मामले पर आगे की तफ्तीश में ईडी क्या इस मामले को आगे NIA या किसी अन्य एजेंसी को आगे लिखेगी या खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी इस मामले में बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त में कहा जा सकता है कि इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शंकर, हैरानी की बात यह है कि विनोद कुमार ऑफिसर इंचार्ज अरगोरा पुलिस स्टेशन ने कहा है कि ये जो AK-47 है ये हमारे जवान्स के हैं, ये जो गन्स हैं वो जवान्स के हैं, तो इनके हाथ में कैसे आए, ये प्रेम प्रकाश के अलमीरा में पाए गए थे, तो हमारे जवानों के AK-47 इनके हाथ में कैसे आए? यही इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का मुख्य सवाल है। देखिए, अगर किसी जवान का है, किसी पुलिस जवान का अगर हथियार है तो वो अपने जवान अपने लाइसेंसी पिस्टल को अपने सिर्फ सर्विस गन को कहीं दूसरे के पास नहीं छोड़ सकता है। प्रेम प्रकाश की अगर बात करें, प्रेम प्रकाश एक प्राइवेट शख्स है और उसको उसके घर में किस तरह से बकायदा उस आर्म्स को छोड़ा गया ये अपने आप में सवाल है। और इसी मामले की जानकारी मिलने के बाद तत्काल झारखंड पुलिस के द्वारा उस दो सिपाही को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सस्पेंड कर देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि AK-47 जैसा हथियार ये काफी आधुनिक माना जाता है, ये आम लोगों के पास नहीं होता है, ये पुलिस के जवान जो पैरामिलिट्री के जवान होते हैं उसके पास ये AK-47 का हथियार होता है। और इसके साथ साथ काफी मात्रा में जो कारतूस जिस तरह से बकायदा उसके प्रेम प्रकाश के घर में बरामद हुआ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही के साथ साथ एक कई ऐसे सवाल को भी खड़ा करती है कि किस तरह से झारखंड पुलिस के जवानों का हथियार एक प्राइवेट आदमी के घर में मिलता है, और वो भी प्राइवेट आदमी जिसके खिलाफ जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पिछले 3 महीना पहले भी प्रेम प्रकाश जांच एजेंसी के रडार पर आए थे जब पहली बार मनरेगा स्कैम से जुड़े मामले में उसके आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उस वक्त में प्रेम प्रकाश को बुलाया गया था और पूछताछ की गई थी, लेकिन उस वक्त में प्रेम प्रकाश को ऐसा लग रहा था कि वो जांच एजेंसी बच चुका है, लेकिन वो इसे इस बात का इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था कि वो जांच एजेंसी के रडार पर है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले 3 महीने के दौरान कई आरोपियों से इस मामले में पूछताछ किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, और कई जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करने के बाद जो तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया, आज सुबह में इसकी गिरफ्तारी हुई है। और प्रेम प्रकाश अभी रांची स्थित जो ईडी के दफ्तर है, ईडी के दफ्तर में ही रखा गया है और वहां पर विस्तार से पूछताछ चल रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रेम प्रकाश का जो संबंध है, उसका जो कनेक्शन है, एक बड़े स्तर पर झारखंड में माना जाता है, और सिर्फ अभी तो एक स्कैम में उसका नाम सामने आया है, इलीगल माइनिंग स्कैम में उसका नाम सामने आया है। इस मामले में हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि प्रेम प्रकाश का संबंध कई अन्य दूसरे मामलों में भी है, कई ऐसे बड़े बड़े स्कैम में भी उसकी भूमिका और संदिग्धता जो है वो नजर आ रही है। और जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और भी बड़ा खुलासा किया जा सकता है, और इसके साथ साथ इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। देखा जाए, जिस तरह से मनरेगा स्कैम की बात करें या इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामले की अगर बात करें, तो पिछले कुछ समय से लगातार झारखंड में यह मामला काफी चर्चा का केंद्र में बना रहा है, और झारखंड में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तो पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया है कि अगर कहीं भी गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जाएगा तो वहां पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे भी यहाँ जो मामला सामने देखने को मिला है कि जिस तरह से इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामला था, ये मामला NGT में भी गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी गया, और वहां पे भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। और झारखंड के अंदर में देखा जाए कि फॉरेस्ट एरिया जो है, खासतौर पर जो कई ऐसे जो पहाड़ हैं, करीब 3 से 4 पहाड़ वहां से हटा दिए गए, उसको काट दिया गया, उसकी जानकारी भी आज तक किसी को नहीं मिल पा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला काफी संदिग्ध है, क्योंकि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ और इसके साथ साथ जो स्टेट का रेवेन्यू है उस पर भी एक अच्छा खासा असर पड़ता है। तो इलीगल माइनिंग से जुड़ा ये पिछले काफी समय का ये मामला है, जिसमें कि जांच एजेंसी के द्वारा मामला दर्ज किया गया, और दर्ज करने के बाद कल 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि झारखंड, बिहार, दिल्ली NCR और तमिलनाडु में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, और सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया।
तो कहा जा सकता है कि आज इसकी गिरफ्तारी की जो खबरें हैं और वहां के राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा का केंद्र होने वाले हैं, और इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों को भी पूछताछ के लिए अगले दो दिन में बुलाया जाएगा, और कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ अन्य गिरफ्तारियां भी जल्द ही देखने को मिल सकती है। जी शंकर, अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस में, हम जानते हैं पंकज मिश्रा जो हेमंत सोरेन के बहुत करीब हैं, और उसके अलावा पूजा सिंघल की भी गिरफ्तारी हुई है जिसके बारे में आप बोल रहे थे, आईएएस ऑफिसर, और अभी प्रेम प्रकाश की भी गिरफ्तारी हुई है। तो इन तीनों शख्स कितने क्लोज थे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से, क्या ताल्लुक थी उनकी हेमंत सोरेन से, और जैसे कि हम बोल रहे थे हेमंत सोरेन ने बोला है कि उनका नाम ना कनेक्ट करें इस स्कैम से, पर ये बात तो है कि रिपोर्ट्स हैं कि ये काफी क्लोज थे हेमंत सोरेन से, और पंकज मिश्रा भी हेमंत सोरेन को काफी अच्छी तरह से जानते थे। देखिए व्यक्तिगत तौर पर, देखिए इस मामले पर जिस तरह से बकायदा आरोप की अगर बात किया जाए तो व्यक्तिगत तौर पर ही फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ कोई इस स्कैम को नहीं जोड़ा जा सकता है, ना ही उनके नाम का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जो मामला इन्वेस्टिगेशन का है, जो जांच एजेंसी के पास रडार में है, वो इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामला है। इस मामले में जो भी आरोपी होगा उससे पूछताछ होगी और उसकी गिरफ्तारी भी होगी, इतना तो स्पष्ट है जांच एजेंसी के द्वारा। लेकिन जिस तरह से अगर संबंधों की अगर बात करें तो इतना ये भी स्पष्ट है कि प्रेम प्रकाश का संबंध झारखंड के राजनीतिक गलियारों में कई बड़े बड़े नेताओं के साथ में है, लेकिन क्या उसका करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये जांच एजेंसी और जांच का मुद्दा है। उस पर अभी फिलहाल पॉलिटिकल कनेक्शन को नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कई बड़े नेताओं का सहयोग लेकर और उसके पावर का दुरुपयोग करते हुए ये लगातार इलीगल माइनिंग से जुड़े मामलों को अंजाम देता रहा है। इसके साथ साथ इसकी ट्रांसफर पोस्टिंग, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस के भी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ठेका है, जो टेंडर है, वो एक तरह से अवैध तौर पर ये मैनेज करता था। यानी कि प्रेम प्रकाश पर जो आरोप है कि बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में रह करके इलीगल तरीके से काम को करवाना, इसके साथ ही अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा ये लेता था, उसके बदले में ये लाखों करोड़ रुपया वसूली करता था, और इलीगल माइनिंग का जो मामला है उस मामले में किस तरह से बड़े बड़े राजनेताओं के नाम का प्रयोग करना, हालांकि वो राजनेता कौन है, किसके साथ में इसके ज्यादा संबंध है, वो जांच एजेंसी के रडार पर है और जांच एजेंसी इस मामले पर काम कर रही है, उसका नाम लेना भी फिलहाल वो उचित भी नहीं होगा और जल्दबाजी भी होगी। तो जांच एजेंसी के हमारे जो सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई है, जो भी आरोपी होगा या इसके स्टेटमेंट के बाद जिसका नाम भी सामने आएगा उसके खिलाफ हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पे यहाँ पर ऐसा मसला नहीं है कि सिर्फ ये राजनीतिक मसला है या राजनीतिक कनेक्शन की वजह से इस पर कार्रवाई हो रही है, पिछले 3 से 4 महीने के दौरान इसके खिलाफ काफी सबूतों को इकट्ठा किया गया है। जब आईएएस पूजा सिंघल की अगर बात करें, आईएएस पूजा सिंघल जो अभी फिलहाल अभी सस्पेंडेड है, तो उसके खिलाफ जब कार्रवाई की गई थी तो उसका उससे जुड़े हुए जो चार्टेड अकाउंटेंट है सुमन कुमार, उसके यहाँ से तकरीबन 20 करोड़ रुपया बरामद हुआ था कैश, उसका कोई हिसाब नहीं पता चला। बाद में उसका ही पता चला कि वो काफी पॉलिटिकल कनेक्शन का प्रयोग दुरुपयोग कर रही थी। बाद में उसी मामले पर सर्च ऑपरेशन के दौरान में पंकज मिश्रा का नाम सामने आया। पंकज मिश्रा का जो संबंध है झारखंड के कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के साथ में है, सीधे तौर पर कनेक्शन था, हालांकि गुनाह पंकज मिश्रा ने किया और इसी वजह से पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद बच्चू यादव की बात करें, जो बाहुबली है, उसका एक सबसे पहले सीएनएन न्यूज 18 ने उस तस्वीर को दिखाया था, किस तरह से जो साहबगंज का इलाका है, जो वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पर किस तरह से इलीगल तरीके से वहां पे शिप चलाने का, एक शिप की अगर बात करें तो एक एक शिप पर तकरीबन 20-20 ट्रक लोड होकर के इलीगल तरीके से वहां से सामान को वहां से निकाला जाता था। तो ये भी जांच के रडार पर है कि वहां पर जिस तरह से बकायदा एक इलीगल माइनिंग के मामले को अंजाम साहेबगंज इलाके में दिया जाता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। और उस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कहा जा सकता है कि इलीगल माइनिंग का जो दायरा है वो कई अन्य दूसरे राज्यों तक भी फैला हुआ है, तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तक भी इस इलीगल माइनिंग का जो कनेक्शन है वो है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कल जो है 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और 17 लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया गया है, जिसको बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, काफी गहनता से उसको अध्ययन किया जा रहा है। और इस मामले पर
आगे जल्द ही कुछ और भी कार्रवाई देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त में सबसे जो चर्चा का केंद्र रहा है प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी। प्रेम प्रकाश जो है अपने आप में कहा जा सकता है कि वहां का जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं उसके बीच में ये काफी जाना जाता है। प्रेम प्रकाश कई बड़े अधिकारियों को और नेताओं को विदेश में ले जाकर के वहां पर पार्टी कराना, उसके लिए मौज मस्ती की तमाम व्यवस्था ऐसा कराने का भी आरोप लगता रहा है। शंकर, I'm sorry to interrupt you, but we're also joined by my colleague Ashish Maheshi. But I'll take your point across to him. Very good morning to you, Ashish. Ashish Maheshi tracks the ED very closely. Ashish, as Shankar was saying, you know, this is not political in nature, yet illegal mining continues to plague the area, which is why these raids have been done. Can you take us through the significant developments that have come through these raids over the last few months? As far as we know, IAS officer Pooja Singhal has been arrested. Then we had Pankaj Mishra, also an accused, who was arrested. And following which, now Prem Prakash, who's also said to have a hand in every major tender and transfer posting of IAS and IPS officers. And how shocking are these recoveries of the AK-47, which are being said to belong to Jawans, in fact? So, you know, in the past, we've seen that the highest echelons in the Jharkhand government have been involved into illegal mining. And the proceeds of crime have landed into their hands. It's not only one arrest that we're seeing today. We've seen the highest officers there, Pooja Singhal, who was one of the closest associates of the chief minister. She was arrested, and we remember the chartered accountant giving a statement before the enforcement directorate saying that the money actually belonged to Pooja Singhal. I remember that, you know, senior people in the bureaucracy were also raided. Other bureaucrats were also raided, and it was found that the proceeds of crime were reaching into their hands as well. Now, we are seeing that one of the associates who is basically benefiting out of illegal mining, he has been arrested. His name is Prem Prakash. Prem Prakash is not only beneficiary of proceeds of crime, two AK-47 rifles were found from his residence. Now, interestingly, 60 live cartridges were also found. This is something really, really amazing. Now, whether he is close to the current regime there, yes, the answer is yes, because I have been speaking to my sources in the enforcement directorate. They tell me that he has been very close to the current regime in Jharkhand. He has been operational in transfer and posting. He has been associated with certain bureaucrats, certain netas in Jharkhand. He has been influencing many decisions in the government of Jharkhand. So this man, the police was also informed in Jharkhand that, you know, the rifles, the AK-47 rifles, which are illegal in his possession, was handed over to the police, and police has already registered an FIR there. So we are seeing number of arrests. I also remember a ship was confiscated by the enforcement directorate at a time when the main accused was in their custody. The illegal mining, or you can say that the proceeds of illegal mining, were being shipped out of India. And the owner of the company, the illegal proceeds was the owner of the ship at that point in time. So, you know, it's like one khulasa after another khulasa in Jharkhand. So certainly a big step by the enforcement directorate. And obviously, when you see so many proceeds of crime into their hands, the enforcement director had no other option but to arrest this individual. All right. Thank you so much for those details. Ashish, stay with us. Let's go back to our colleague Shankar Anand. Shankar, ab Prem Prakash ki arrest hui hai aur ED ye bhi unhone ye bhi jankari ki hai ki na hi ye illegal mining scam se jude hain, par also extortion se shayad inka koi taluk hai. वाकई आप सही कह रही हैं कि जिस तरह से इलीगल माइनिंग के साथ साथ जिस तरह से अवैध तौर पे वसूली का एक कहा जा सकता है इसका रैकेट चलता था, तो ये वहां के ब्यूरोक्रेट्स और कई ऐसे आईएएस आईपीएस जो इनके संपर्क में थे, तो क्या उनके नाम का दुरुपयोग ये कर रहा था या नहीं कर रहा था, इन तमाम मामलों पर भी आगे तफ्तीश की जा रही है. क्योंकि इसके जो मोबाइल फोन को जो जब्त किया गया है, उस मोबाइल फोन में कई ऐसे बड़े नाम है जिसके साथ ही लगातार जुड़ा हुआ था, तो क्या उसके नाम का या उन अधिकारियों का प्रयोग करके
वो अवैध तौर पे वसूली करना या इलीगल काम को करवाना या जिस तरह से ट्रांसफर फोर्सिंग कराने का जो एक आरोप लग रहा था, तो क्या उसको भी अंजाम दिया जा रहा था? तो इन तमाम मामलों पर आगे इससे पूछताछ होगी और कहा जा सकता है कि आज इस मामले पर जब आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की जब रिमांड ली जाएगी, तो रिमांड लेने के बाद जब आगे विस्तार से जब पूछताछ की जाएगी तो उससे जुड़े हुए प्रेम प्रकाश से जुड़े हुए तमाम कनेक्शन के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और ये जांच एजेंसी जानना चाहेगी कि ये किस तरह से बकायदा अवैध तौर पे वसूली करने का काम करता था या लोगों को डराने का काम करता था और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं, जो आरोप है वो आरोप बेहद संगीन है, तो उससे जुड़े हुए तमाम मामलों की विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ साथ जो पिछले 5 साल या 10 साल के अंदर कितनी इसने अवैध तौर पर संपत्ति बनाया है या कहाँ कहाँ इसकी संपत्ति है, कितने इसके बैंक खाते हैं, उसके तमाम संपत्तियों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। तो अभी फिलहाल जो है कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन अब आने वाले वक्त में इससे जुड़े हुए कई जो प्रॉपर्टी है उसके अटैचमेंट की भी जो प्रोसेस है वो भी किया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है। जैसा कि हमारा सूत्र बताते हैं कि पिछले कई सालों से इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा है। एक इलीगल माइनिंग का मामला जो है वो अलग से चल रहा था, इसके साथ साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग है जो करा करके जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी, उस मामले में पिछले कई सालों से इसकी भूमिका रही है। और ये जो है अपने राजनीतिक रसूख का जो एक दुरुपयोग करते हुए, वो एक बाहुबली का प्रयोग करते हुए उसका प्रयोग कर रहा था। और इसके साथ साथ जिस तरह से इसके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में इसके कनेक्शन रहे हैं, तो उसका एक दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तो वो भी एक जांच एजेंसी के रडार पर है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि कल AK-47 वाले हथियार की जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, उस अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बातचीत हुई है हमारे सूत्र से। उनका कहना है कि ये जांच का जो मामला है, कल हमने जरूर स्थानीय पुलिस को बुलाया था और स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है, लेकिन वो मामला जो है, वो केस इलीगल जिस तरह से उसके घर में, प्रेम प्रकाश के घर में AK-47 बरामद हुआ है, तो वो मामले को ट्रांसफर नहीं किया गया है। वो मामला अभी भी जांच एजेंसी के रडार पर है। तो जांच एजेंसी ये भी पड़ताल करेगी कि क्या ये इस मामले पर वाकई में उस झारखंड पुलिस के जवानों के द्वारा वहां पे गलती से उस हथियार को रखा गया, या इस मामले पर वो पिछले काफी समय से उस हथियार को अपने घर में रखा था। तो उस हथियार से जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां हैं उसको भी इकट्ठा करने के लिए आगे तफ्तीश जांच एजेंसी के द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ साथ जांच एजेंसी ये भी इस मामले पर चर्चा करेगी कि क्या इसके कनेक्शन अब बड़े बड़े अपराधियों के साथ में है या नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जो इसके घर से जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो उसको जब्त किया गया है, इसके मोबाइल फोन को जब्त किया गया है, तो उसको भी खंगालना जांच एजेंसी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और जब उसको खंगाला जाएगा तो उससे कई राज बाहर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो कल देर रात से जब इसके घर में जब क्वेश्चनिंग की जा रही थी और जब इससे बकायदा इसके बारे में जानकारियां मांगी जा रही थी, सर्च ऑपरेशन जो है लगभग 1:30 से 2 बजे रात तक इसके घर पे की जा रही थी, तो कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के बाद एक तमाम वो लिस्ट बनाया गया कि इसके घर से क्या क्या जानकारियां मिली हैं, क्या क्या डिवाइस को जब्त किया गया है, और उसके बाद आज सुबह में इसकी गिरफ्तारी की गई है। सुबह में गिरफ्तारी करने के बाद इसके जो परिजन हैं उनको सूचित किया गया, उनको बताया गया कि इसकी गिरफ्तारी हो गई है और आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आज देखना लाजमी होगा कि आज कोर्ट में जब प्रेम प्रकाश को वहां पे लाया जाएगा तो उसके बाद ईडी के द्वारा क्या क्या जानकारियों को कोर्ट के सामने साझा किया जाएगा और जो महत्वपूर्ण और बड़े आरोप लग रहे हैं, जो संगीन आरोप लग रहे हैं प्रेम प्रकाश के खिलाफ, तो उस आरोप से संबंधित क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं, तो वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर कही जा सकती है झारखंड के लिहाज से कि प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई और प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज जो है खुलने की संभावना है, जिसमें कि कई बड़े बड़े जो राजनीतिक हस्ती जो है उससे जुड़ा हुआ मामला हो सकता है और झारखंड के जो कई बड़े अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उससे जुड़ा वो मामला ये सामने आ सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब झारखंड जो एक प्रदेश जो है, जो बेसिकली एक मिनरल खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान में लगातार वहां पर खनिज संपदा जो है उसको बेचा जा रहा है, उसके अवैध तौर पे उसकी माइनिंग, इलीगल माइनिंग वहां पे हो रही है। तो इन तमाम जो मसला है, ये मसला केंद्र सरकार जो है इस मामले पर काफी पहले से भी कहते रही है कि झारखंड एक संपदा पूर्ण एक राज्य है, लेकिन वहां पर कुछ लोगों के द्वारा जरूर वहां पर जिस तरह से अवैध तौर पर गलत कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, तो इस मामले पर जांच एजेंसी अपने तरीके से
कानूनी तरीके से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो ये मामला जो है पूर्ण तौर पर जांच एजेंसी का है और जांच एजेंसी इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से प्रेम प्रकाश का संबंध रहा है और किस तरह से पिछले कई सालों से इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए कुछ दिन पहले ही जिस तरह से बकायदा साहिबगंज टेंडर घोटाला मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई और जिस तरह से अगर बात की जाए कि आईएएस पूजा सिंघल के मामले की अगर बात की जाए Right, turning our attention back.